नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। इंसान जब इंसानियत भूल जाता है, जब वहशी बन जाता है ना, तो वह सारी हदें पार कर जाता है, क्योंकि वहशी को तो वैसे ही नहीं मालूम कि इंसानियत होती क्या है। और अगर कोई वहशी आपके घर में ही हो, कहां भाग के जाएंगे? बाहर वालों से बचकर या भागकर आप अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर वालों से बचकर आप कहां जाएंगे? आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ रीमा जी से। रीमा जी एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। उन्हें किसी बाहर वाले ने नहीं, उनके अपनों ने उन्हें एसिड से जला दिया। क्यों जलाया, क्या दास्तां है उनकी, और आज तक वो किस तरह से लड़ रही है अपने आप से, इस समाज से, ताकि अपने लिए वो अपनी एक जगह बना सके, आज उन्हीं से सुनते हैं। अच्छा रीमा जी, एक बात बताइए, आज आपको दिल्ली आना था ना, और आज सब कुछ गड़बड़ हो गया आपके लिए। आज तो गड़बड़ नहीं है, बस कल मैं निकली थी, बस क्या हुआ कि रास्ते में बस खराब हो गई, फिर मुझे वापस मम्मी लेकर आई घर। अच्छा, मैं घर आई तो फिर आज का दिन प्लान बना फिर जाने के लिए। चलिए, मैं रेडी हूँ, मतलब बस लाइव खत्म करके आप तुरंत निकल जाएंगे, है ना? थोड़ा सा टाइम है आपके पास। चलिए हम ऐसा करते हैं, फटाफट आपकी जर्नी जरा जान लेते हैं, लोगों को बता देते हैं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप अभी पढ़ ही रही थी, आप 10th स्टैंडर्ड में थी जब आपके साथ ये सब हुआ है? जी दी, मैं मेरे साथ जब अटैक हुआ तो मैं 3rd क्लास में थी। 2018 में 25 जनवरी को ये मेरे साथ अटैक हुआ था। मैं अपने गांव में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, और उस समय मेरे गांव के आजू बाजू में मेला लगा हुआ था, तो मैं मेला देखने गई थी। मुझे मतलब जैसे मोहल्ले की लड़की लोग होती है, साथ में जाते हैं घूमने फिरने तैयार व्यार होकर, तो मैं इसी तरह तैयार होकर लड़की लोग के साथ खेलने देखने गई, मेला देखने गई। मैं मेला देख कर शाम को दोपहर को 3 बजे गई और शाम को 6 बजे लौटी मैं मेला से। मेला से लौटने के बाद जैसे मैं अपने दरवाजे पे आई तो मेरे घर का अंदर का लाइट जल रहा था, बाहर का लाइट ऑफ था, और मेरे चाचा का भी लाइट ऑफ था, और बगल में जो लड़की थी पड़ोसी उसका भी लाइट ऑफ था। शायद मुझे लगा कि कहीं लाइट चला गया होगा, मुझे तो पता था नहीं कि मतलब इस तरह का मेरे साथ कुछ हो सकता है आज। तो अचानक से मैं अपने घर में प्रवेश की, मेरा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उस समय मैं घर पे अकेली थी, मेरी मम्मी नहीं थी, मेरी मम्मी घर से गांव से दूर छोटा सा शहर में छोटा सा जॉब करती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा का डेट हो गया, पापा का डेट नहीं हो गया, बस वो प्रॉपर्टी के लड़ाई के लिए मेरे चाचा ने पॉइजन दे दिए पापा को, पापा का डेट हो गया। आपके चाचा ने डेट होने के जी मेरे चाचा ने पापा को पॉइजन दिला दिया, इसलिए कि वो मतलब होते हैं ना गांव में जो भी प्रॉपर्टी होते हैं, जमीन वगैरह खेत वगैरह, इस चीज को ना मतलब हासिल करने के लिए उनको, मतलब कहते नहीं कि मन में एक भावना बेमानी का हो जाता है, उस तरह की शुरू से उनकी थी आदत। तो पापा डेट कर गए, जब मैं 8 साल थी पापा डेट कर गए। पापा दिल्ली में साड़ी का दुकान था एक छोटा सा, साड़ी वाड़ी बेचते थे, और लड़ाई झगड़ा जमीन को लेकर हुआ तो मेरे पापा के पास चाचा गए और बोले कि अब तो लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, अब तो इस तरह का कोई मैटर नहीं है। लेकिन पापा को क्या लगा कि मतलब अब ये मतलब इस तरह के मैटर खत्म करने आई है, मुझे मारने आए, उनको तो लगा कि चलो भाई है बोल रहे हैं तो बात सही बोलते होंगे। उनकी बात पे पापा मान गए। उनके बाद फिर क्या किया, उन्होंने ना खाना में पॉइजन मिला दिए, पॉइजन मिला के पापा को खिला दिए। उनको खिलाने के बाद उनको मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, और वहां से वो चाचा छोड़ के निकल गया पापा को। फिर मेरी बुआ दिल्ली में रहती थी, बुआ के पास फोन गई तो मेरी बुआ बोली रात को कि मैं अभी नहीं पहुंच सकती, कल सुबह 12 बजे आऊंगी। अब किसी भी इंसान को अगर इस तरह का माहौल है 10 बजे का शाम को रात को, तो ज्यादा इमरजेंसी होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना दिखाना, क्योंकि मेरे पापा के पास कोई था नहीं दिखाने वाले। बस रात भर पापा मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर कल मेरी फुआ 12 बजे पहुंची, तब तक मेरे पापा का वहां पे दम तोड़ दिए, पापा खत्म हो गए। उनके खत्म होने के बाद फिर हम लोग गाँव में बहुत सारे पसंद मेरी मम्मी गुजरी, बच्चे को लेकर 4 बच्चे, 2 बहन हो 2 भाई, 4 बच्चे को लेकर मेरी मम्मी छोटा सा जॉब करने लगी घर से दूर रह के। उसके बाद भी चाचा ने काफी परेशान किए, कि चाचा के कहने का मतलब ये था कि ये लोग बहुत दूर चले जाएं, जो भी घर है प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दे।
ऐसा नहीं होता है ना, एक बराबर सबके लिए होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी मुझे गांव में छोड़ दी कुछ दिन के लिए। मैं पढ़ाई करती थी तो उस समय मैं 10th क्लास में थी। अब बस उस समय ही चाचा को लड़ाई था मम्मी से, सिर्फ लड़ाई था जमीन को लेकर। लेकिन चाचा ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया कि ताकि मैं मतलब आगे ना बढ़ सकूं, पढ़ाई ना कर सकूं, कामयाब ना हो सकूं, और मम्मी जो है वो मुझे लेकर परेशान हो सके। तो ये सब के कारण से हो। मेरे साथ जब ऐसा हुआ, जब मैं घर में गई तो मेरे चाचा और बगल की एक लड़की थी, और मेरी जब मैं 13 साल की थी तो मेरी मैरिज हो गई, शादी हो गई। क्योंकि मेरे मामा लोग बोले कि पापा नहीं है तो माँ दो लड़की लेकर माँ मतलब कब तक झेलती रहेगी। तो बचपन में उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शादी तो करवा दी है उन्होंने, दहेज के लिए बहुत सारे मांग किए, मेरे मामा ने सब कुछ सकार लिए, लेकिन मेरे मामा कुछ दिए नहीं। शादी होने के बाद लड़का टॉर्चर करने लगा, मारपीट करने लगा, धमकी देने लगा। जब अपनी मम्मी को बोलो गाड़ी देने के लिए, पैसे देने के लिए, उसके माँ बाप दम से टॉर्चर करना, हर बात पे टॉर्चर करना। उसके बाद मुझे वो लोग ऐसे करते करते मुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं मम्मी के पास आ गई, और उससे पहले भी काफी मतलब इतना मुझे मारे थे कि मेरे चेहरे पे, मेरे हाथ पे सब जगह निशान था। लेकिन मेरी मम्मी, जैसे गांव समाज होता है ना, तो लोग कहे कि चलो तुम्हारी लड़की है, लड़की का शादी कर दी हो, अगर लड़की के ऊपर तुम केस करोगी तो फिर उसकी लाइफ जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर कौन देखेगा, कौन रखेगा। इस बात को लेकर मेरी मम्मी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं की। जिस दिन मेरा अटैक हुआ उस दिन, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लड़का उससे आगे बोला कि ठीक है हम देख लेंगे, हम कभी ना कभी इस चीज को देख लेंगे। मतलब कहते हैं ना कि आप शादी भी हो गई तो ऐसा करेंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगी। अगर मतलब मेरी मांगे, मतलब होता है ना कि जो मांग जो आप तुम्हारे मामा ने सकारे वो नहीं दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जब घर पे थी, जब वो सब हो गया, वो सब होने के बाद मैं घर पे रहने लगी। जब घर पे रहने लगी तो मैं अकेली थी, मम्मी थी नहीं। और जब मैं मेला से आई, शाम को 6 बज रहा था, तो मेरे घर में मेरे चाचा और जिस लड़का से मेरी शादी हुई थी हसीन, वो उसके बाद बगल की एक लड़की थी, और मेरी खुद की बड़ी मम्मी, क्योंकि मेरे चाचा दो दो शादी किए हैं, तो छोटी मम्मी जो भी थी, वो दो लड़का और था, 6 लोग मेरे घर में थे। पहले तो मुझे थप्पड़ मारे तो मैं भागने की कोशिश की। जब भागने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ घींचकर पीछे से मेरी बाल पकड़ के मुझे घर के अंदर ही जमीन पे गिरा दी। जमीन पे गिरने के बाद मेरा हाथ बांध दिए, फिर मेरा पैर बांध दिए। उसके बाद जब मैं चिल्लाई कि मुझे बचाओ, मुझे लगा कि ये लोग शायद मुझे जान से मारना चाहते हैं। हो सकता है ये सारे मैटर मम्मी से जमीन को लेकर है, मैरिड हो रखी है तो दहेज को लेकर उसने मेरे घर से निकाल दिया, इतनी कुछ टॉर्चर किया, तो मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे जान से मारना चाहते। तभी मैं चिल्लाई तो मेरा गला बांध दिया। गला बांधने के बाद मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उसके बाद एसिड का बोतल खोल के मेरे सर के ऊपर से एसिड डाल दी मेरे चाचा ने। एसिड डालने के बाद मुझे निकालना ऐसा लगा कि मतलब जैसे लग रहा था कि मैं एकदम किसी इंसान को जैसे लगता है कि एकदम जलते हुए आग में फेंक दिया किसी ने, पूरा एकदम से अजीब, मतलब मैं बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद होश में नहीं थी, होश में नहीं थी। उसके बाद क्या किया कि मेरे दाहिने हाथ की अंगूठा उन्होंने काट दिए, अंगूठा पूरा काट के उतार आपका अंगूठा नहीं दिए। नहीं अंगूठा है, पर ये अंगूठा से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि पूरा अंगूठा ये मेरा काट दिए। काटने ओहो के बाद ज्वाइंट है, पर इससे कुछ होता नहीं है ना, इससे हम कपड़े धो पाते हैं ना कुछ काम कर पाते हैं। मतलब अंगूठा इसलिए काट दिए ताकि अगर मैं बच जाऊं तो मेरा हाथ कामयाब ना रहे, मैं पढ़ाई ना कर सकूं, मैं आगे ना बढ़ सकूं, मैं कुछ नहीं कर सकूं। उसके बाद फिर जब वो लोग ऐसा करने के बाद वो लोग निकल के चले गए, घर का कुंडी लगा दिए। जब बगल का एक कोई और थी, भाभी लगेगी, उन्होंने घर से बाहर निकले तो देखे कि लाइट वाइट अप है, तो अचानक से मेरे दरवाजे पे आए, तो मेरा गेट लगा हुआ, तो उन्होंने गेट खोल कर, जैसे उनको लगा कि हमेशा मेरी घर में आवाजें सुनना, मेरी बातें सुनना, तो उस दिन उनको कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। तो उनको लगा कि इतनी रात हो गई कहाँ चली गई, तो लोग देखने के लिए मेरे घर पे आए। जब घर पे आए तो दरवाजा खोले, लाइट जलाए, मैं मेरा हाथ पर बंधा हुआ, मैं खून से लथपथ एकदम अपने घर के बीच आंगन में पड़ी थी। फिर उन्होंने घर से उनका दे उनको मुझे देखकर होश उनकी खराब हो गई। उन्होंने घर से बाहर निकलकर और मेरे चाचा को बोले कि रामजी पांडे आप बाहर आइए कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहे कि मुझे कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मैं तो होश में थी नहीं कि वो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कैसे हुआ, तो वो नहीं आए। फिर दूसरे मोहल्ले में गए, मेरे जो भाभी थी बगल की, दूसरे मोहल्ले में गए। दूसरे मोहल्ले में जाके बोले कि इस तरह का हरकत, मतलब नाम रख के कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर उधर से सारे लोग दौड़ के आए, लोग कह रहे थे कि मतलब हम नहीं छुएंगे तो हम नहीं छुएंगे, हमारे ऊपर केस हो जाएगा तो हमारे ऊपर केस है। सारे लोग तमाशे देख रहे थे खड़े होकर। फिर उसके बाद गांव का जो होता है मुखिया सरपंच, उनके पास फोन गया तो वो लोग आए। वो लोग आए तो कहे बच्ची का जान जा रहा है और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। फिर उन लोग ने मतलब लोग भी चिल्लाए बोले। फिर वो लोग अपनी गाड़ी में उठाकर मुझे वहां से लेकर हॉस्पिटल गए। तक मेरी मम्मी के पास खबर गया तो मेरी मम्मी पहुंची। जब मैं हॉस्पिटल में गई, छोटा सा हॉस्पिटल था मेरे गांव से आगे, वहां गई तो डॉक्टर देखा मुझे तो कहा मेरे बस का बात नहीं है, जिसको आगे ले जाइए। उन्होंने रेफर कर दिया। वहां से मैं सीतामढ़ी गई। सीतामढ़ी गई, वहां भी मुझे पानी का बोतल लगा दिए और उसके बाद बोले कि मेरे बस का बात नहीं है, इसको आगे ले जाइए। हेलो फिर उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर गई, हेलो, मुजफ्फरपुर कृष्णा वन मेडिकल में गई। वहां गई तो वहां डॉक्टर मम्मी के ऊपर बोलने लगे कि मतलब आप माँ हैं, कहाँ थी, क्यों नहीं ध्यान दी लड़की पे, जब आपको पता है कि लड़की घर में अकेली है। मम्मी बोली मुझे क्या पता, मैम तो समझते हैं कि सारा परिवार मेरा ही है, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे साथ जो दुश्मनी है मेरे बच्ची के साथ भी निकाल सकते हैं, मुझे तो ये चीज का पता नहीं था। फिर उसके बाद डॉक्टर मेरा ये हाथ काट रहे थे कि अभी इसमें ये कोई काम का नहीं है, अभी ये बाद में सड़ जाएगा, इसको निकाल देते। मम्मी बोली कि नहीं अभी बहुत कम उम्र है, पढ़ाई लिखाई करती है इसकी, मतलब कम से कम नहीं तो हाथ कट जाएगी तो फिर ये पढ़ेगी लिखेगी कैसे। मम्मी रोने होने लगी तो डॉक्टर ने मम्मी को रोने से हाथ में तो टांका लगा दिए, पर ये हाथ बस किसी काम का नहीं है। टांका लगाने के बाद जख्म सूख गया, हाथ जैसे वैसे भाई मतलब काम नहीं करता। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आईसीयू में भर्ती रखे 20 दिन तक। 20 दिन तक ना मेरी आवाज थी ना मैं कुछ देख पाती थी। मुझे लगता था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे देखकर मम्मी रोती थी, घबराती थी। मुझे अभी भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या, ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि मैं अपने आप को देख ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। और मेरा स्किन जैसे लग रहा था कि पत्थर पड़ा हुआ है, पूरी फेस पे एकदम टाइट टाइट थी, एकदम बहुत लगता है कि जख्म, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है फेस, उस तरह के। उसके बाद फिर जब इलाज उलाज होने लगा, डॉक्टर जब आते थे तो मेरे स्किन का दवा लगा के काटते थे, तो शायद मुझे लगता था कि फिर उसके बाद मैं तो, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी होता क्या है, मतलब पेशाब क्या होता है, ऐसी क्या होता है, उससे क्या होता है, मुझे कभी पता नहीं, उस चीज को मैं कभी देखी भी नहीं। उसके बाद फिर मेरा इलाज हुआ। 20 दिन के बाद जब थोड़ी थोड़ी मुझे आवाज आने लगी, तो और प्रशासन जो होते हैं हमारे गांव के थाना, उनके पास खबर गया तो वो रात में नहीं है, वो कल सुबह है, जब हम हॉस्पिटल में चले गए उसके बाद वो आए। जब वो आए तो देख सुन करके चले गए। 1 महीने के बाद मेरी बयान में बयान नहीं ले रहे थे, और जो एसपी थे वो हॉस्पिटल में आए और वो कह रहे कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारे ऊपर एसिड है, तुम अपने आप को खुद को जला सकती हो चाचा को फंसाने के लिए। मेरी मम्मी बोली कि आप कैसे ये बोल रहे हैं, क्यों आपकी, अगर आपके खुदा ना आपके खास वहां के आपका एसएसपी ने कहा ये बात, एसएसपी ने ये बात कही, एसपी ने, एसपी हाँ ने। एसपी ने ऐसे बोला, जिला का एसपी ने ऐसे बोला कि हम कैसे मान लें कि इसके ऊपर एसिड गिरा है, नाम क्या था हो उनका? सकता है अपने आप को जला। मिश्रा, एसपी मिश्रा नाम था उनका, मिश्रा करके नाम था, उन्होंने ऐसे बोल रहे थे। और जो जो लड़की थी जिसने मेरी बाल पकड़कर मुझे जमीन पे फंसी थी, तो वो कह रहे थे कि वो लड़की का शादी नहीं हुआ है, लड़की कुंवारी है, उसको तुम छोड़ दो, उसको माफ कर दो, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसकी शादी नहीं है। मम्मी बोली कि उसकी शादी नहीं हुई, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, और जो मेरी लड़की के साथ हुआ, मेरी बच्ची के साथ, उसका कोई नहीं, कोई मायने नहीं है आपके पास, तो ठीक है हम इसको कुछ पैसे दे देंगे, नौकरी दे देंगे, ये ठीक हो जाएगी, हम इलाज के लिए पैसे देंगे, इसका ट्रीटमेंट करवा देंगे अच्छे से हॉस्पिटल में, ये सब बोलने होने लगे। उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद 1 महीने के बाद मेरा बयान हुआ। बयान जब हुआ तो जब हम बयान दे रहे थे, मुझसे पूछताछ कर रहे थे, तो वो मुझे, वो भी मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मतलब कुछ बोले ना, किसी का नाम ना रखे। वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि तुम अभी भी सोच कर बोलो, अभी भी समझ कर बोलो, मतलब मैं जख्म से लथपथ हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे मतलब कितनी कंडीशन खराब है, फिर भी बयान देने गई हूँ। तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम कुछ सोच कर बोलो, कुछ ठीक से याद रखो, तुमको याद नहीं है। मैं
मतलब इस तरह का मुझसे इस तरह का सवाल किए जा रहे थे। और एक बार को मतलब उसको 10 बार रिपीट किया था एक बात को, जब मैं कुछ बोलती थी उस बात को वो लोग 10 बार रिपीट करते थे। उसके बाद बयान वान हो गया, बयान होने के बाद हॉस्पिटल में जब मैं 3 महीने तक भर्ती हुई, 3 महीने तक पूरी मेरी जख्म ठीक नहीं हो रही थी, तो मेरी चचा ने हॉस्पिटल में मेरे दवा बंद करवा दी मुझे मारने के लिए, क्योंकि इसको मतलब इनको लगता इतना था कि गुंडा शायद ये राज है वहां मेरे पे, बिहार में इतना गुंडा राज है। इतना है। इसीलिए तो मतलब जब भी कुछ होता है तो इस चीज को इंसान मतलब ना प्रशासन ना पुलिस कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ करते हैं, इसके वजह से तो आज मेरे साथ और मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, कम होने का नाम नहीं है। एक ही वजह है कि जब एक के साथ कुछ हो जाए तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना कोर्ट लेते हैं, ना जज लेते हैं, ना पुलिस लेते हैं, ना एसपी लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बस थोड़ा क्या, 3 महीने जेल में रहा, बेल हो गया, थोड़ा सा बहस हुआ, बात खत्म हो गया, कुछ बोले तो भी नहीं सुनते हैं। यही तो वजह है कि मतलब जो चीज हो गया इस चीज को सुधार नहीं होता, आगे से बढ़ते बढ़ते जाते आगे बढ़ना पड़ता है इस चीज को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3 महीने के बाद वो डॉक्टर मुझे रेफर नहीं कर रहे थे, ना रेफर कर रहे थे ना दवा बंद कर दे, तो कह रहे थे घर लेके जाइए, अब ये बचेगी नहीं, ये मर जाएगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का बात नहीं है। तो मेरी मम्मी बोली कि अगर आप इलाज नहीं कर सकते तो रेफर कर दीजिए। फिर रेफर कैसे कर दे, रेफर करने लायक रहेगी तभी तो रेफर करेंगे। फिर मेरी मम्मी ने, मेरे जिला का सांसद थी रामा देवी, उनके पास मेरी मम्मी गई, मम्मी जाके वहां पे मेरा फोटो दिखाई, सारी बात बताई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर के पास फोन किए और बोले कि बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए, आप ऐसा किए हो तो किए हो, उसका दवा चालू कीजिए, अगर आपसे इलाज नहीं होता तो रेफर कीजिए उसको। फिर उनके कहने पे डॉक्टर ने मुझे रेफर किया। फिर वहां से मम्मी मुझे लेकर दिल्ली आई। दिल्ली जब हम आए सफदरजंग में जब गए तो रात को हम 10 बजे पहुंचे। जब 10 बजे पहुंचे तो वहाँ मम्मी मेरी बोली कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, इतनी कंडीशन खराब थी कि मैं देख नहीं पाती थी, पूरी हर जगह से मवाद निकलना, हर जगह से एकदम ब्लड आना, बहुत ज्यादा कंडीशन था। तो सफदरजंग में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर वो जो होते हैं तो वो कह रहे थे कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मम्मी बोली कि एक दवा दे दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, इससे आराम होगा। तो वो कहते नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लेकर बैठिए, बाहर बैठिए, कल 10 बजे हमारे डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो तब तक मैं रात भर सफदरजंग के गेट पे रोड पे बैठ कर बैठे बैठे मैं चिल्लाती रही, डर से बेचैन थी, मुझे भर्ती नहीं कर रहे थे। फिर कल सुबह जब 9 बजा तो डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर मुझे 2-3-4-5% देखने के बाद मुझे बुलाए, फिर अंदर गए तो उन्होंने देखा, फिर वो बोले कि पूरी केस खराब हो चुका है, तुम तो केस खराब करके लाई हो। मम्मी को बोले कि तुम तो केस खराब करके लाई, लेकिन कम चांस है बचना, कम चांस है, बस इलाज कर रहे हैं, देखो ऊपर वाले की मर्जी क्या होता है। तो उन्होंने भर्ती किए, भर्ती करके इंजेक्शन लगाए, दवा ववा चालू किए, फिर 3 महीने तक कंटिन्यू भर्ती रखे। 3 महीने तक पूरी सर का स्किन निकल चुका था, सिर्फ गड्ढा गड्ढा हड्डी दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि माथा का जख्म जैसे ठीक होगा वैसे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, उसमें जान का भी खतरा है, पर हम तो इलाज ही कर सकते हैं, और देखिए अब तो और हमारे हाथ में नहीं है। फिर 3 महीने के बाद मेरी जख्म ठीक हो गई। जख्म ठीक होने के बाद उसके बाद मम्मी बोली कि मैं बहुत दूर से बिहार से आई हूँ, मैं यहाँ रहूंगी कैसे, अगर रिश्तेदार भी, कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ हो जाए तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं, कोई लोग साथ नहीं देते। दिल्ली में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मामा मामी बुआ सब लोग हैं, लेकिन उस कंडीशन में कोई ये नहीं करते थे कि मेरे घर चलो, चाहे 2 दिन के लिए मैं रखती हूँ, 2 दिन मैं देखने आती हूँ, नहीं। तो मम्मी ने डॉक्टर को बोले कि मुझे धर्मशाला के लिए लिख दीजिए, मैं धर्मशाला में लेके रह जाऊंगी। तो 20 दिन के डॉक्टर ने धर्मशाला में दी, धर्मशाला में रहे। जब जख्म वहां से पट्टी करवाना, मम्मी पैदल लेके आती थी, पैदल लेके जाना मुझे पट्टी करवाने के लिए, बहुत ज्यादा कंडीशन, मम्मी का जॉब छूट गया था, मम्मी कमाती नहीं थी, पैसे नहीं था हाथ में, तो किराए भाड़े के लिए पैसे नहीं था, दवा तो इलाज पट्टी तो फ्री में हो जाती थी, पर जो दवा है दवे के लिए पैसे बचाती थी। उसके बाद मुझे पैदल लेकर आना लेकर जाना, कि धर्मशाला तो बगल में ही रीमा पड़ता है सफदरजंग। रीमा एक बात बताइए, जैसे आपका यहाँ पे इन लोगों ने इलाज के लिए मना किया, जबकि शुरुआत में ही कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा मरीज पहुंचता है हॉस्पिटल में, वो भी सरकारी हॉस्पिटल सफदरजंग में, तो तुरंत देखा जाता है, तो आपको तुरंत नहीं देखा जाता, आपको नहीं, खुद ही बैठा के रखा नहीं, गया। नहीं। हाँ, मुझे एकदम से मुझे गेट से बाहर कर दिए, जहाँ पे रोड से मरीज निकलता है वो रोड पे कर दिए। मुझे 10 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक मैं बैठी रही, सारी रात में बैठी रही।
पूरा एकदम बैठी 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 और मैं डर से बेचैन तड़प रही थी। मम्मी मेरी बाजू सो रहा कि रुक जाओ, बस दो दो तीन घंटे की बात, रात की बात है, रात भी गुजर जाएगी। फिर उसके बाद कल सुबह जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर दो तीन चार पांच मरीज देख लिए, उसके बाद मुझे बुलाए बुलाए तब जाके उसके बाद पूछताछ किए, बोले कि बहुत ज्यादा केस खराब हो गया है, फिर आपका हम कितना इलाज ऑपरेशन करेंगे। हुआ है? अभी तक कितना ऑपरेशन किया उन्होंने आपका? मेरा ऑपरेशन अभी तक 16 हो गया है, 16 ऑपरेशन हुए हैं। 16 ऑपरेशन मेरी हो गई है। अच्छा, अभी आप जब गांव वापस आई थी किस लिए आई थी? अभी आप जो अभी गांव में मैं गांव हाँ गांव मैंने इसलिए वापस आई थी कि 2020 में मैं 10th क्लास की एग्जाम दी थी, 10वीं क्लास की एग्जाम देने के बाद मैं निकल गई। तो मैं सोची थी कि मैं गांव में आकर मैं 12th में एडमिशन कराकर और मैं यहाँ से किताब लेकर मैं चली जाऊंगी दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, और मार्कशीट जो है मार्कशीट स्कूल से मैं निकलवा लूंगी, इसलिए मैं गांव में आई थी। मैं गांव में जब आई तो मेरे चचा यहीं पर थे, गांव में ही थे, तो उन्होंने जब मैं दरवाजे पर खड़ी थी तो जैसे रास्ते होते हैं तो रास्ते पे बहुत सारा लकड़िया उकड़िया काट के रख दिए, तो हमने बोले कि रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम साइड नहीं करेंगे, तुम पिछला वाला जो केस कर रखी हो एसिड वाला वो केस तुम वापस ले लो, फिर तुमको हम जान से मार देंगे। हम ये कौन सी बात हो गई, आपको आप किसी कीमत पे हम जो केस है पिछला वाला एसिड वाला हम केस कभी खत्म नहीं करेंगे किसी कीमत पे। फिर उन्होंने कहा तुम खत्म नहीं करोगे? नहीं हम किसी कीमत पे खत्म नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा रुको तुमको बताते हैं, हम वहीं पे खड़े थे हम वहां से हटे नहीं। फिर उन्होंने अपने घर में से वो बांस का जो लाठी होता है वो लेकर आए, पहले मेरे दोनों पैर पे मारे, फिर मेरे हाथ पे मारे, हाथ पे मारे तो मेरे हाथ की जो अंगूठा थी वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन ऐसे मारे कि फिर से टूट गए मेरे हाथ। और उसके दूसरे बाद हाथ में या उन्होंने उसी हाथ में? नहीं उसी हाथ में जिसमें जख्म था उसी हाथ में। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरा दोनों हाथ पकड़ के और बाल पकड़ के मुझे रोड पे ले गए खींचते हुए, और वहां पे ले गए और कह रहे कि तुमको मारते हुए हम थाने में ले जाएंगे, तुम ना बहुत ज्यादा तुमको केस करने की बहुत ज्यादा चस्की चढ़ गई, तुम्हारे सारा चस्की छोड़ा देंगे। हम रो रहे थे चिल्ला रहे थे, पूरे मोहल्ले का लोग जमा हो गया, लोग खड़े होके तमाशा देख रहे, पर कोई लोग नहीं कह रहे थे कि क्यों मार रहे हो क्यों ये कर रहे हो तुम छोड़ो, कोई लोग नहीं कर रहा था कुछ भी। फिर उसके बाद जब वो मुझे रोड पे ले गए अपने मेरे दरवाजे से खींचते हुए, तो हम छुड़ाने का कोशिश किए तो मुझे रोड पे धक्का देकर मुझे पटक दिए, गिरा दिए, गिराने के बाद वो मुझे छोड़ के भाग गए, सारा लोग जमा हो गया और मेरा गला दबाए रखे थे लोग, जब जमा हुआ तो वो छोड़ के भाग गया। भागने के बाद जो थाने का जो चकदार होता है उसे हम बोले कि आप मुझे, मेरी इतनी पैर में जख्म थी, हाथ में फूट गया, सब जगह से खून निकल रहा था, हम बोले हमें थाने में लेके चाहिए, तो वो कह रहे कि नहीं हम थाने में आपको नहीं लेके जा सकते, आप खुद से चल के जाइए, हम कहीं और जा रहे हैं। वो मतलब झूठ बोले क्योंकि वो भी मेरे चचा से मिले हुए थे। उसके बाद कोई गांव का कोई लड़का था भतीजा लगता, उसको हम बोले कि थोड़ा सा मुझे मेरा हेल्प कर दो, मुझे थाने में पहुंचा दो, तो उसने मुझे बाइक पे बैठा के मुझे थाने में छोड़ा। मैं थाने में गई तो मैं थाने में जाकर इतनी मतलब चोट लगी थी कि मुझे मतलब मैं रो रही थी, तड़प रही थी, बैठी थी, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा पेन था, उसके बाद मैं रो रही बैठी हूँ, कोई मतलब थाने वाले भी देख रहे हैं पर कोई कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। फिर जब बड़ा दरोगा आए तो वो मुझे बुलाए और बुलाकर मुझसे पूछे क्या हुआ है, तो हम बताएं उन्हें, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर उसको बुला के डांट रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम क्यों मारते हो बच्ची को, क्यों मारपीट करते हो। तब वो थाने वाले कह रहे हैं कि तुम गांव में क्यों आती हो, हम कहे सर मेरा यहाँ घर है, मेरा शहर में घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तो हम गांव में नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मेरा सब कुछ यहीं से है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से हुआ है, तो आप तो इस तरह की बात कर रहे थे तो हम यहाँ नहीं आए, तो भाई हम कहाँ जाए, फिर बताइए हम कहाँ रहे। फिर उसके बाद उतनी देर में जो हमारे जिला का एस डीपीओ होते हैं वो आए, तो वो जब आए तो उनसे पूछा गया कि वो दरोगा पूछे कि सर इस बच्ची के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, घटना की है इसके चचा ने या फिर दोबारा से इसको मारपीट किया, इसका हाथ तोड़ दिया, केस वापस लेने के लिए, केस को खत्म कर सुलवाहा करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो वो कह रहे हैं क्या किया जाए, मतलब उसको डालो उसके ऊपर 307 का धारा डालो, उसको उठाकर अंदर करो। फिर देखे मेरे हाथ से पूरी जख्म से खून निकल रही थी, सारे हाथ फूट गया था, सब जगह निशान पड़ी थी। फिर उन्होंने 307 धारा लगाया और बोले कि तुम जाओ, मम्मी को बोले कि इसको लेकर जाइए, मम्मी भी पहुंच गई यहाँ से जहाँ पे जॉब करती थी। फिर वहां से मम्मी मुझे हॉस्पिटल में लेकर गई इलाज करवाने के लिए, और इलाज करवाने गए तो जिस हॉस्पिटल में हम गए इलाज करवाने के लिए तो वो सरकारी हॉस्पिटल थी,
वहां पे मेरे इलाज करवाने से पहले मेरे चाचा पहुंच चुके थे, और उन्होंने जाकर डॉक्टर को पैसे दे दिया और ये बोले कि लड़की आएगी इलाज करवाने तो उसका इंजुरी जो होता है वो आप बनाइएगा नहीं, हल्का बना दीजिएगा केस को खत्म करने के लिए, केस नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। हम लोग को ये चीज पता नहीं था। फिर उसके बाद हम वहां गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोले दिखाए, तो डॉक्टर कुछ ना ढंग से बातें कर रहा है ना कुछ बोल रहा है, सिर्फ कह रहा ठीक है एक्सरा करवाओ, एक्सरा करवा दिया। फिर उसके बाद एक्सरा जब करवाया तो एक्सरा टूटा है हाथ, और करवा रहे हैं गले का सीना का, तो उसमें कुछ नहीं। फिर सर मेरा हाथ टूटा है, हाथ का करवाइए ना, हाथ में दर्द है। फिर उन्होंने फिर दोबारा लिखे, फिर हाथ का एक्सरा हुआ तो हम कैसा क्या कुछ है, तब वो मेरे सामने कह रहे कि हाँ तुम्हारा हाथ फिर से टूट गया है, वो ऐसे बोल रहे कि फिर से टूट गया। मैं रोने लगी, मैं बोली अभी तो थोड़ी ठीक हुई थी, मैं एग्जाम दी थी 10th क्लास का, मैं एग्जाम देकर मैं निकली थी और आगे पढ़ाई करने के लिए मैं सोची थी कि मैं आगे पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करके कुछ कुछ जॉब करके मैं अपने मतलब अपने आप खुद अपने अपने आप पे डिपेंड हूँ। लेकिन ये क्या हुए जा रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर मेरा मुंह देख रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे हैं, कह रहे क्या हुआ है तुम्हें, कैसे हो गया है, बस मुझसे पूछ रहे हैं। मेरी मम्मी ने पूरी बात बता दी, मेरी सारी कहानी सुन ली है, पूरी हिस्ट्री जान ली कि क्या हुआ है कैसे हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। फिर वहां से हम चले आए, फिर बोले सर आप जो एक सारा किए वो सब नहीं, ये सब तो थाने पे किसी पुलिस वाले आएंगे तो पुलिस वाले ले जाएंगे, आपके हाथ में नहीं दे सकते, उन्होंने कोई बात नहीं, फाइनली पुलिस आपका रिपोर्ट भी गलत आपको दिया ना जज के सामने, हाँ गलत रिपोर्ट पेश कर दिए कि और कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी बेल नहीं होगी है, फिर बस से उनको बेल ऐसे। होगी। हाँ उनकी बेल का ऑर्डर मिल गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जब मैं केस लड़ती रही, दो एक तारीख हुआ, फिर 2 तारीख गुजरा, मैं तारीख पे गई, हर तारीख पे गई, तो जज बोले कि ठीक है हम पूरी डायरी खोलेंगे उसका, पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद फैसला करेंगे। फिर लास्ट डेट था मेरा 18 तारीख को, 18 तारीख को जब मैं कोर्ट में गई तो जज ने ये बोले कि ठीक है सब कुछ सही है, और वकील हमारे बहस किए, तो उसका जो वकील था उसने उजरी का मांग किया, उन्होंने उजरी ले आया हॉस्पिटल में से, ले आया तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, तो जज कह रहे हैं कि इजरी में तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें तो कोई चोट पोट कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, तो अगर हम क्या करें उसको, कैसे रखे अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने उसको ऑर्डर दे दिया बेल का, उसका मतलब 5-6 रोज में उसका बेल हो जाएगा। फिर हमारे वकील गए पता करने, तो वकील को पता लगा कि जो मेरे चाचा थे वो हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जाकर डॉक्टर को पैसे देकर और मेरा मतलब जो ट्रीटमेंट था उसका इंजरी कम मतलब एकदम हल्का करवा दे, ताकि उसका बेल हो जाए, उनके ऊपर कुछ ना हो। मुझे ना बहुत ऐसे ऐसे अफसोस तो हो रहा है, मुझे कई सच में बहुत अफसोस हो रहा है रीमा जी आपके लिए, कि फिर आप जिस मैं सिस्टम आगे में से हैं उस सिस्टम में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं मदद करने वाला, तो हर बार मतलब सोचने की बात है, रोइए मत कहीं रीमा भी जी, जाते हैं रोइए मत। नहीं करते ना, पुलिस सुनते हैं ना, जज सुनते हैं ना, कोर्ट में सुनवाई होता है, एक तो कोई जॉब नहीं है, कुछ कमाते नहीं है, एक तो पापा नहीं मम्मी, एक अकेला 4-4 बच्चे को लेकर चलना सब कुछ। उसके बाद जब भी जाते हैं तारीख को, जज वकील को लॉयर को पैसे देना है, हर तारीख पे पैसे देना है, हर कुछ करवाना है, सब कुछ करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है कि शायद जज को लगता है कि जब किसी का जान चला जाए, जब इंसान मर जाए, फिर सुनवाई करेंगे, ऐसे नहीं सुनवाई करेंगे। फिर हम जज को बोले कि सर मेरी कंडीशन इतनी खराब है, मेरी उंगली टूट गई है, फिर मैं पढ़ाई कैसे करूंगी, अब तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती हूँ, इतने कुछ होने के बाद थोड़ा सा मैं हिम्मत जुटा के अब तो कुछ आगे बढ़ी थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जज ने कुछ नहीं बोले, जज कुछ भी सुनवाई नहीं की, कि ऑनलाइन जज ले रहे थे बयान, ऑनलाइन बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैं वहां से चली आई रोते हुए जज के सामने से, फिर मैं घर चली, मैं बोली मुझे यहाँ कुछ नहीं होने वाला ना, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे, बस बिहार में यही है, गलत पे गलत, गलत पे गलत होते रहता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद अब तो 4-5 दिन की बात है चाचा बाहर आ जाएंगे, फिर वो बाहर आएंगे कब तक, ना शहर में घर है रहने का, कब तक भागते रहेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ जाता है, वो जाना ही पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि उनका मन बढ़ता है, आज वो हाथ तोड़े पहले ऐसे डाले फिर हाथ दर, कल का वो मुझे मार भी सकते हैं, तो मतलब हम मर जाएंगे फिर उसके बाद जज सुनवाई करेंगे, ऐसे सुनवाई नहीं करेंगे। उसके बाद मैं बस सोची मैं दिल्ली, अब दिल्ली का तैयारी कर ली हूँ, मैं कोशिश में लगी हूँ कि मैं केस को ट्रांसफर दिल्ली करवा सकूँ, दिल्ली में ट्रांसफर करके और मैं केस लड़ू, लेकिन मैं लड़ूंगी केस,
इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। रीमा जी गलत तो बिल्कुल गलत बिल्कुल बिल्कुल लड़िएगा, और मैं आपके इस चीज को मैं ट्विटर पे भी डालती हूँ, मोदी जी को भी उसमें टैग करेंगे, और भी जो बिहार के लोग हैं ना, जहाँ असल में सच में जंगल राज है, आपको देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा जंगल राज है, आप कितनी ज्यादा स्ट्रगल करती आई हैं। रीमा जी निराश मत होइए, आप दिल्ली आइए, श्रुति है ना वो भी आपकी मदद करेंगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इतनी कम उम्र में मैरिज हो गई, उसके बाद पति ने इतना कुछ करने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अटैक करने के बाद उसने तो शादी कर लिया, दूसरी शादी हो गई, बच्चे हो गया, बीवी हो गया। आपने केस नहीं किया, और वो ऐसे कैसे शादी कर सकते, आपने कोई तलाक दिया था? मैंने केस कर नहीं, कोई तलाक कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। उसके बाद फिर केस हो रखी है, पर प्रशासन पकड़ते नहीं है, ढूंढते नहीं है उसको, प्रशासन नहीं चाहते है ना, ढूंढते है ना तलाशते है, वो तो अभी भी मुझे नए नए नंबर से मुझसे गाली देता है, धमकी देता है, मैं कब तक घर चुकी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहता है क्या कर ली तुम, क्या बिगाड़ लिया हमारा, तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिए, ऐसे बोलता है। हम क्या बोल सकते, क्या जवाब दे सकते, कुछ भी जवाब नहीं देते। मिलेगा मिलेगा जवाब मिलेगा, पता है क्या, जब तक ये बिहार में चल रहा है ना तभी तक आप परेशान है, दिल्ली में जब ट्रांसफर हो जाएगा ना सब लोग आपके साथ रहेंगे। रीमा जी आप बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, अब आप आ रही है ना दिल्ली, हम लोग एक बार मिलते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मुस्कुराइए, मुझे पता है आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, लेकिन अब आप इसके बाहर निकल जाएंगे, आप दिल्ली आइए। ठीक है आप निकलिए, मैं सुबह पहुंचूंगी, आप निकलिए, जब आप पहुंचेंगी तो हम लोग मिलते हैं और श्रुति जी के साथ मिलते हैं और देखते हैं कि क्या हम रास्ते निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिए, हौसला बनाए रखिए, सब चीजें बदलेंगी। ऑल दी बेस्ट, बाय। तो ये रीमा जी थी बिहार की, पूरी दास्तान आपने सुन ही ली होगी, अगर आप ठीक से नहीं सुन पाए, अभी आप ज्वाइन किए तो मैं आपको बता दूं कि रीमा जी जो है इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, और जब मात्र ये 15-16 साल की थी उसी वक्त, यानी 2018 की बात है, 2018 में इनके ऊपर इनके चाचा ने और इनके हस्बैंड ने एसिड अटैक किया था। इनके चाचा ने प्रॉपर्टी की वजह से और इनके हस्बैंड ने इसलिए किया था क्योंकि दहेज की उन्हें आवश्यकता थी, दहेज की मांग कर रहे थे। बिहार के प्रशासन की यह हालत है कि बिहार में न पुलिस न कोर्ट, कोई भी कानून किसी भी तरह से इस बच्ची की मदद नहीं कर रहा। अभी ये 1 महीने पहले वापस बिहार गई अपने 10th के सर्टिफिकेट के बाद 12th में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके बाद फिर से इनके चाचा ने इन्हें बुरी तरह से पीटा और जिस हाथ को उन्होंने ऑलरेडी पहले एक बार उसका अंगूठा काट दिया था उसी हाथ पर एक बार फिर से मार करके उस हाथ को फ्रैक्चर कर दिया। उसके बाद भी सबसे अच्छी बात यह हुई कि डॉक्टर तक ने एक गलत रिपोर्ट पेश कर दी मजिस्ट्रेट के सामने। जंगल राज अगर किसी को कहा जाए तो मुझे लगता है कि हमें बिहार को जंगल राज कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। वहां पे लोग कहते हैं कि चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन इस मासूम बच्ची को अगर आप देखें तो उसके लिए कुछ भी नहीं बदला है। अगर आप जितने लोग जुड़े हैं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इस लड़की की किसी भी प्रकार से कोई भी मदद कर सकता है, मदद उसे पता है किस चीज की चाहिए, उसे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर इस इंसाफ की लड़ाई में आप उनके साथ होंगे तो शायद उन्हें न्याय मिल जाएगा। हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए आवाज जरूर बनकर उठा सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे अटैक विक्टिम्स हैं जिन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, जिन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिला और जिन्हें सच में न्याय मिला है। लक्ष्मी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शायद वो दिल्ली में थी इसीलिए उनके साथ चीजें थी, पर ये लड़की बिहार की है, सहारा देने वाला कोई नहीं, लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं, ये बिल्कुल अकेली। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग सहारा देंगे, क्या करेंगे उनके लिए, लेकिन हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। आप लोग भी अगर कुछ कर सके तो कृपया इंसानियत जरूर दिखाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति इसलिए ज्यादा बिगड़ी क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। इनके पिताजी को जब जहर दिया गया तो उन्हें फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था। दोनों केसेस में यही हुआ, उनके पिताजी की जान इसलिए चली गई क्योंकि डॉक्टर के पास उन्हें कोई लेके नहीं गया। इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनके अब तक इन्होंने 16 ऑपरेशंस बताए कि 16 ऑपरेशंस हो चुके हैं और भी होने बाकी हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं,
सही समय पर इलाज देने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये सबसे बिकट बात थी। शुक्रिया आप लोग जुड़े, थैंक यू सो मच।